ठीक है, सतीश है फ्रॉम एसके वेब स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम किसी वीडियो के अंदर किसी स्पेसिफिक पार्ट को सेंसर कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो फिल्टर्स के बारे में सीखने वाले हैं, ब्लर और मोज़ेक। दोनों फिल्टर इंफॉर्मेशन को सेंसर करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, सो गाइस, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जैसे कि वीडियो के अंदर कोई आप किसी पर्सन की एनोनिमिटी को बनाना चाहते हैं, या वीडियो के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप व्यूअर्स को चाहते हैं कि ये शो ना हो, तो इन फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। पहले मैं ये वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसमें कोई भी ब्लर इफेक्ट या मोज़ेक फिल्टर नहीं लगा हुआ, तो आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें कोई भी ब्लर इफेक्ट नहीं है। मैं इस वीडियो में इस पैरेट का फेस को ब्लर करूँगा कुछ इस वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी कोई भी इसके अंदर ब्लर नहीं है। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि मुझे पूरी प्ले नहीं करनी वीडियो। मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जितना हिस्सा ब्लर करना है मैं उतना हिस्सा स्प्लिट करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इस पार्ट को सेलेक्ट करके देन फिल्टर्स पे क्लिक करना पड़ेगा हमको। एंड उसके बाद में हमें तीन फिल्टर का यूज़ करना होगा इसके अंदर। सबसे पहला जो फिल्टर है वो है मास्क सिंपल शेप, एंड इसके बाद में सेकंड फिल्टर होगा ब्लर, एंड थर्ड फिल्टर हम सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर वो होगा मास्क अप्लाई। तीनों का ऑर्डर जो होगा वो सबसे पहले हम रखेंगे मास्क सिंपल शेप को, सेकंड ब्लर, एंड थर्ड मास्क अप्लाई को। ठीक है, ये ऑर्डर रखेंगे तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। गाइस, पहले क्या होता था कि पहले हमको ब्लर करने के लिए शॉर्टकट के अंदर एक वीडियो के अंदर वीडियो के ऊपर दूसरी इस सेम वीडियो को रखना पड़ता था, एंड उस वीडियो के अंदर सेकंड वाली वीडियो के अंदर हमको एडिटिंग वगैरह करनी होती थी। तो वो काफ़ी मतलब ओल्ड मेथड था। ये न्यूली फिल्टर्स आए हैं तो इसकी मदद से हम आसानी से सेम वीडियो के अंदर पार्ट को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हमको मास्क अप्लाई पे हमको कुछ नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रखना है हमको। ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे ब्लर के अंदर होंगे एंड मास्क सिंपल शेप के अंदर होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ब्लर को बढ़ा देता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हाँ, ये हिस्सा ब्लर हो चुका है। एंड अब हम इसकी पोजीशन को सेट करेंगे कि देखिए, सबसे पहले जो कुछ इसके अंदर ऑप्शन खुल के आते हैं, पहला ऑपरेशन है शेप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल विथ हाइट रोटेशन। रोटेशन हमको नहीं छेड़नी है। ऑपरेशन के अंदर हमको राइट ऑन क्लियर पे रखना है। ठीक है, एंड मैक्सिमम पे करने पे पूरी स्क्रीन पे आ जाता है, एंड मिनिमम पे करने से जितना हिस्सा हमने मतलब अभी शो हो रहा है इतने हिस्से पे रहेगा। एंड इसके बाद में और देख लेते हैं हम, ऐड पे करने पे ये पूरी स्क्रीन पे हो जाता है, एंड सबट्रैक्ट पे करने से जो हिस्सा हमने अभी इस टाइम पे है ये ब्लर होना चाहिए, ये ब्लर नहीं होगा, बाकी अदर हिस्सा वीडियो का पूरा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, इस पर हमको राइट ऑन क्लियर पे सिलेक्ट करके रखना होता है। यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर हम जैसे कि किसी पार्ट को ब्लर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें फेस ब्लर करना है, फेस का जो शेप है वो है राउंड, तो हम इलिप्स टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हम इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ये होता है इस साइड में लेफ्ट से राइट को, एंड वर्टिकल होता है अप से डाउन या डाउन से अप। ठीक है, तो अभी हम इसकी थोड़ी विड्थ को बढ़ा लेते हैं, जो इलिप्स है हमारा। ठीक है, एंड हाइट को भी थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद में हम पोजीशन को सेट करेंगे। ठीक है, विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, एंड अब हम इसको मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल थोड़ा। ये देख रहे हैं जैसे कि जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ इसको, ये मूव हो रहा है। एंड वर्टिकल थोड़ा ऊपर, उसके लिए हमको इसको कम करना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा ये देखिए। एंड हाइट थोड़ी और बढ़ा लेते हैं इसकी, एंड थोड़ा वर्टिकल और नीचे आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्लर फिल्टर ऐड कर दिया है। अब गाइज, इसको हम प्ले करके देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए ये ब्लर इफेक्ट ऐड हो गया है। वीडियो में थोड़ी लैगिंग हो रही है, बट जब आप इसको रेंडर करके एक्सपोर्ट करोगे तो ये लैगिंग नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे शो कर, देखिए जितना पार्ट हमने ये सेलेक्ट किया था उतना ही पार्ट ब्लर हुआ है। ठीक है, एंड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं प्ले करके मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं, एंड ब्लर का आप इसके अंदर विथ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रोटेट को आपको छेड़ना नहीं है या आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। एंड गाइस, एक और फिल्टर की बात की थी मैंने इसके अंदर मोज़ेक फिल्टर के लिए। सो मोज़ेक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको ब्लर से सेटिस्फाइड नहीं है तो ब्लर पे क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, एंड इसकी जगह पे आप, बट आप देखिए इस पार्ट को सिलेक्ट किया होना चाहिए आपने, एंड फिर देन आप मोज़ेक पे क्लिक कर सकते हैं, एंड मोज़ेक को फिर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ सेकेंड पे ला सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ मोज़ेक हो गया, ये फेस ब्लर हो गया, एंड आप पोजिशन यहाँ से इसकी सेट कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं पोजीशन से तो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए। तो मोस्टली मैं मोज़ेक का यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से ब्लर कर देता है, इन्फॉर्मेशन दिख नहीं पाती। सो ये सेंसर करने के लिए काफ़ी अच्छा फिल्टर है, देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी वीडियो को आप ब्लर करें या तो आपको कोई भी पार्ट को स्प्लिट नहीं करना है, सिंपल वीडियो को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप उससे ये अप्लाई कर सकते हैं पूरी वीडियो पे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।